श्रावस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे सप्ताह तक चलने वाले उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पार 2047 महोत्सव का पूर्व राज्य मंत्री जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा ने जनतंत्र कॉलेज पटना खरगोरा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। पूर्व राज्य मंत्री अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा, भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के सहयोग से जुलाई के अंतिम सप्ताह में राज्य के सभी जिलों में बिजली महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव केंद्र राज्य दोनों सरकारों द्वारा विद्युत उत्पादन पारेषण वितरण अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न सुधारों प्रगति का लेखा जोखा देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करने का एक मंच है। आम जनता राय निर्माताओं नीति निर्माताओं को ऑडियो विजुअल मीडिया नुक्कड़ नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रमों इन्फोग्राफिक प्रदर्शन द्वारा घरेलू विद्युतीकरण वन नेशन वन ग्रिड उपभोक्ता अधिकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति लाभ विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि आदि विषयों पर लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग के माध्यम से संवेदनशील जागरूक किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर विद्युत विभाग के द्वारा साप्ताहिक ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विगत 8 वर्षों में जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर को संभाला है, विद्युत के क्षेत्र में हमारे देश में जो उपलब्धियां रही हैं, जो क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन और बदलाव आया है, उसके बारे में आम जनमानस को अवगत कराने के उद्देश्य से, विद्युत संरक्षण के उद्देश्य से और बिजली विभाग के द्वारा चलाई संचालित विभिन्न योजनाओं से आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। थैंक यू।